लोग, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं और इतने अच्छे कमेंट्स मुझे देते हैं, इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही आगे भी मेरे एपिसोड्स को, सीरीज को पसंद करते रहें, जो जो मैं बताती हूँ उससे आप लोगों के जीवन में फ़ायदा हो, ऐसा ही मैं चाहती हूँ। और इसके लिए आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि उससे आपको अपने आप नोटिफिकेशंस आ जाएंगे कि कब मेरा कौन सी सीरीज आपके पास पहुंच गई है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिपीटेशंस ऑफ नंबर में नंबर 6 के बारे में। किसके डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार 6 आता है और उस 6 के कितनी बार आने से आप लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आप लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 6 अक्टूबर 2000। 6 इसमें एक बार आया है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? ये लोग 6 नंबर के जितने भी लोग होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 से स्टार्ट हुई है, या बीच में कहीं भी 6 आया है, एक बार आया है, दो बार आया है, तीन बार आया है, या चार बार आया है, ये लोग अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। और 6 अगर एक बार आपकी नंबर में आया है, डेट ऑफ बर्थ में आया है, तो आप लोग अपनी फैमिली को बहुत प्यार करने वाले होंगे, उनके लिए बहुत केयरिंग होंगे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना आपको बहुत पसंद होगा, आप लोग सुंदर चीज़ों को ही पसंद करेंगे, आप लोगों को बिखरा हुआ, फैला हुआ या फिर डिसअरेंजमेंट्स, ये सब पसंद नहीं होगा। हर चीज़ को अरेंज करके रखना, हर चीज़ को सुंदरता से सोचना, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर लेना, अपनी फैमिली को सबसे आगे प्रायोरिटी देना, ये सब आपकी क्वालिटीज होंगी, इसीलिए आप एक गुड पेरेंट्स कहलाते हैं। अब नंबर 6 दो बार जिनकी डेट ऑफ बर्थ में आता है, यानी कि एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 16 मई 1996, इसमें 6 और 96 में दो बार हमारी डेट ऑफ बर्थ में 6 आया है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? ये थोड़ी सी ज़्यादा चिंता करते हैं, क्योंकि 6 नंबर की क्वालिटी, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि ऐसे लोग अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, तो फैमिली के लिए चिंता करना इनमें थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये बहुत खूबसूरत चीज़ें पसंद करते हैं, आप इनकी चीज़ें देखेंगे तो ये हमेशा सुंदर चीज़ों को ही सेलेक्ट करेंगे। अब कुछ लोग जैसे क्वालिटी को प्रेफर करते हैं, बट ये ब्यूटिफिकेशन को प्रेफर करते हैं, इनके घर बहुत सुंदर होंगे, इनके घर में बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स के गमले लगे हुए मिलेंगे आपको, इनकी पेंटिंग्स आप देखेंगे, दीवारें सुंदर सजी हुई होंगी, बैक कवर्स बहुत सुंदर होंगे, यानी कि ये सुंदरता पसंद करने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिविटी इनको बहुत पसंद होती है, कुछ भी करेंगे तो सोचते रहेंगे, कुछ अलग करके हटके करने की इनमें इच्छा होती है, और ये अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए थोड़े से ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो आप लोगों को चाहिए, अगर अपनी ये डिसक्वालिटी को हटा दें, आप ज़्यादा चिंता ना करें, अपने इस चीज़ को कंट्रोल करें, तो आप कमाल के व्यक्ति हैं। अब हम बात करेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 तीन बार आता है। एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, जैसे कि 26 छः 1996, यानी कि 26 में एक बार, 6 एक बार 6 मंथ में, और एक बार ईयर में 1996 में एक बार, तीन बार इस डेट ऑफ बर्थ में 6 आया है। तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? ये थोड़े ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, चिंता इनकी नेगेटिविटी में बदल जाती है, इनको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए किसी का बच्चा स्कूल से लेट हो गया, तो ये लोग ये नहीं सोचेंगे कि हो सकता है कि स्कूल में टीचर ने किसी कारण उसको रोक लिया होगा, या कुछ पॉजिटिव रीज़न नहीं सोच पाएंगे ये लोग सोचेंगे कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं मेरा बच्चा बीमार तो नहीं हो गया, कहीं वो रो तो नहीं रहा अकेला बैठा हुआ। मीन्स इनके दिमाग में हर समय नेगेटिव थॉट्स आने पहले आएंगे। तो
और वैसे इन लोगों की सिक्स की सिक्स वाले हैं तो सिक्स की सारी क्वालिटीज इनमें होगी, बट यही इनमें एक नेगेटिव चीज़ होगी कि इनको ये जल्दी से नेगेटिव सोचने लग जाते हैं और चिंता इनकी चरम सीमा पे पहुंच जाती है। तो इनको अपनी इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। आप लोग जितना हो सके वाइट कपड़े पहनिए, वाइट कपड़े पहनने से आपका मन शांत रहेगा और नेगेटिव थॉट्स आपको कम आएंगे। तो अब बात करते हैं जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 6-4 टाइम्स आता है। अब कोई नंबर अगर 4 टाइम्स बढ़ जाए तो फिर वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। इनको अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इमोशनली ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और हाईली क्रिएटिव तो होते हैं लेकिन ये नेगेटिव भी हाईली होते हैं। तो आप लोगों को अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए अपने को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाना है। आप अपना ध्यान ऐसी चीज़ में लगाइए जो कि आपको बहुत पसंद हो ताकि आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। वैसे आप एक कमाल के व्यक्ति होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की कि नंबर 6 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार आता है और आपके जीवन का व्यक्तित्व उसके प्रभाव से कैसा होता है। अगली बार बात हम करेंगे नंबर 7 के बारे में। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।